ठीक है। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास है यूजीसी नेट और एमपीसेट सोशल वर्क के आधार पे। और आप सबको पता है कि जून 2023 में आप सबका परीक्षा है, और उसी के संबंध में मैं आप लोगों से यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत बात कर रहा हूँ कुछ थ्योरीज़ के बारे में। और ये वो थ्योरीज़ हैं जो सोशल वर्क प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसे करिएगा, ठीक है। और आज की ये क्लास जो है केवल पब्लिक की जा रही है, और आज के बाद जितनी भी सोशल वर्क और एमपीसेट और यूजीसी नेट और एमपीपीएससी सोशोलॉजी का जितने भी वीडियोज़ होंगे, जितने भी कंटेंट होंगे, वो सारे के सारे आपके जो हैं प्राइवेट रहेंगे। केवल पेड वाले बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको मैं बता दूँ कि सोशल वर्क की जो थ्योरीज़ हैं वो कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, हालांकि आपको पहले भी पता होगा। एक थ्योरीज़ है सिस्टम थ्योरी, ठीक है। उसके बाद एक आता है साइको, आप ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। साइको डायनेमिक थ्योरी एक आती है ना। एक सिस्टम थ्योरी होता है, एक जो है साइको डायनेमिक थ्योरी है, और एक अगर हम बात करें आप लोगों से तो साइको सोशल थ्योरी है एक, साइको सोशल थ्योरी है एक। और अगर हम बात करें तो एक आपका रेशनल चॉइस थ्योरी है आपकी, रेशनल चॉइस थ्योरी है। और आपको अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट एक थ्योरी है, ठीक है। और सोशल एक्सचेंज थ्योरी है एक, सोशल एक्सचेंज थ्योरी है आपकी। और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी है आपकी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बिहेवियर, ठीक है, या बिहेवियरिज्म भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बिहेवियरलिज्म या बिहेवियर थ्योरीज एक है, और एक डेवलपमेंटल थ्योरी है आपकी, ठीक है। थ्योरीज बहुत सारी हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, बाकी मैं सभी पर जिक्र करने वाला हूँ आप लोगों से। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोशल जो है कंस्ट्रक्शन थ्योरी है एक आपकी, सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी है आपकी। सोशल लर्निंग थ्योरी है जिसपे मैं अभी बात करने वाला हूँ आप लोगों से, सोशल लर्निंग थ्योरी है आपकी। और उसके बाद आता है एक ट्रांस पर्सनल थ्योरी है आपकी एक, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपर्सनल वाली है ना, एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पर्सन सेंट्रल, ठीक है, पर्सन सेंट्रेड कह लीजिए या सेंट्रल कह लीजिए थ्योरी है आपकी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्राइसिस इंटरवेंशन थ्योरी है आपकी। क्राइसिस का मतलब होता है संकट हस्तक्षेप वाला, इंटरवेंशन की है ना, इंटरवेंशन की, तो क्राइसिस इंटरवेंशन थ्योरी है आपकी। और एक आपकी अगर हम बात करें तो नरेटिव थ्योरी है आपकी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आपकी आती है फैमिली, ठीक है, फैमिली सिस्टम थ्योरी होती है एक आपकी, फैमिली सिस्टम थ्योरी होती है आपकी एक। और एक आपकी ग्रांड थ्योरी होती है, ठीक है। इन थ्योरी के बारे में मैं आप लोगों से हालांकि जिक्र तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन इनके नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए, जितने थ्योरीज के बारे में मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया है, इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी की सारी थ्योरीज़। चलिए हम एक एक करके अब इन्हीं पर बात करते हैं। हालांकि मैंने कुछ थ्योरी के बारे में जिक्र कर चुका हूँ, और अभी बात करने वाला हूँ अल्बर्ट बैंडूरा के बारे में। चलिए, अल्बर्ट बैंडूरा ने जी क्या कह रहे हैं, समय के बारे में डिस्कस कर लीजिए, आपने कल बोला था, याद दिला। ओके ओके ओके, चलिए एक मिनट। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो आरती मैडम बताइए आप, किसने दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए फिर अल्बर्ट बैंडूरा का, बिल्कुल करेक्ट जवाब। और अगर पूछ लिया कि वर्ष कब आया है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जो है उसके लिए तैयारी आप कर रहे हैं यूजीसी नेट का, तो आपसे पेपर वर्ष के लेकर पूछा जाता है, तो बन सकता है ये प्रश्न आप लोगों से। तो 1977 आप लोग ध्यान रखेंगे, 1977 में जो है इसकी थ्योरी लाई गई थी, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें इस थ्योरी में क्या जिक्र किया गया है, अल्बर्ट बैंडूरा की थ्योरी में, ये कनाडा के निवासी थे बैंडूरा महोदय, और इन्होंने जो है अपने सिद्धांतों के कई नाम दिए थे। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इन्हीं के सिद्धांत को कहा गया, पेपर में आता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तो आप तुरंत क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुकरण का सिद्धांत, तो अनुकरण का सिद्धांत के बारे में बात किया, तब भी अल्बर्ट बैंडूरा का ही नाम आता है, ठीक है, अल्बर्ट
बैंडूरा का ही नाम आता है। आपको बता दूं, नॉन चमस्की का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भाषा के जनक कहे जाते हैं नॉन चमस्की। और LAD के बारे में अगर हम बात करें, लैंग्वेज एक्विजिशन या एक्वायर डिवाइस कहा जाता है इसको, इसके भी जो है प्रवर्तक के रूप में नॉन चमस्की का नाम आता है। और चमस्की भाषा का अनुकरण की जब बात करता है, तब इसका जो है सिद्धांत में नाम हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पे भाषा का अनुकरण लिखा रहेगा, भाषा लैंग्वेज इमिटेशन लिखा होगा, तब आप लोग लगाइएगा नॉन चमस्की का नाम। और अगर केवल अनुकरण का सिद्धांत लिखा रहेगा, तब आप लोग नाम लगाइएगा अल्बर्ट बैंडूरा का नाम। ठीक है, अल्बर्ट बैंडूरा की यही सामाजिक अधिगम का सिद्धांत को ही अनुकरण का सिद्धांत कहा गया, और इसी को धारणात्मक सिद्धांत भी बोला गया। क्या बोला गया? धारणात्मक सिद्धांत भी बोला गया इसी को, और इसी को ही अप्रत्यक्ष अधिगम भी बोला गया। अप्रत्यक्ष क्या बोला गया? अधिगम भी बोला गया। इसी थ्योरी को ही अल्बर्ट बैंडूरा की, ये सारे थ्योरीज के नाम है। आपको बता दूं, आदर्श आधारित, क्या? आदर्श आधारित, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये भी शब्द हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आदर्श आधारित कह लीजिए, सिद्धांत तो भी यही है आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और इसी को कहा गया प्रतिरूपित। अभी मैंने कल आप लोगों को बता भी रहा था, है ना, प्रतिरूपित का जो सिद्धांत है, ये भी अल्बर्ट बैंडूरा का ही नाम आता है। और मॉडलिंग का सिद्धांत अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, तो भी अल्बर्ट बैंडूरा का नाम आता है। अगर आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता है, IMP करके लिख लीजिएगा, अवलोकनात्मक, अवलोकनात्मक, ठीक है, या आपको कहूँ मैं इसी शब्द को ही, तो प्रेक्षणात्मक भी बोला जाता है इसी को, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत हैं अल्बर्ट बैंडूरा के हैं, इतने तो सारे इसके नाम हैं, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अस्पष्ट है तो एक बार बताइए। चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ जो है अल्बर्ट बैंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, तो आप सभी के समक्ष जो है, जो ये प्रक्रियाएं देख रहे हैं, सन 1977 में आया था ये सिद्धांत। और इस सिद्धांत में उन्होंने अपना प्रयोग जो किया था, तो ध्यान रखेंगे कभी कभी प्रश्न आता है प्रयोग किस पे किया था, तो जरा बताइए प्रयोग किस में किया था इसने, बताइए प्रयोग किसने किया था, किस में किया था? प्रीति मैडम, जगदीश सर बताएं, अन्नू बताओ, किस? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जो आया है, मूवी दिखा हाँ के सर हाँ ठीक है। तो बेबी डॉल कह सकते हैं, या बोबो डॉल भी बोल सकते हैं, इस पर इन्होंने जो है इसका प्रयोग किया था। और इस सिद्धांत में अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है, ऐसी बात इन्होंने कहा था। किसके द्वारा सीखा जाता है? अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है, ऐसी बात इन्होंने, अल्बर्ट बैंडूरा ने अपने सिद्धांत में बोला था। ठीक है, आपको बता दूं, बेबी डॉल के साथ साथ एक जीवित जोकर पर भी इन्होंने किया है। अगर ऑप्शन में बेबी डॉल ना हो या बोबो डॉल ना हो, तो जीवित जोकर होगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें इन्होंने मूवी दिखाया था, क्या दिखाया था? फिल्म दिखाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। फैक्ट जी, सर लर्निंग थ्योरीज में किसी ने डॉग पर कोई एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ, कौन इवान था? पैट्रिक पावलाव थे 1904 में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है, संज्ञानात्मक व्यवहारिक और पर्यावरण जो है निर्धारकों के बीच निरंतर पारस्परिक संपर्क के संदर्भ में व्यवहार की व्याख्या करता है, और यह जोर देता है कि लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं। और उन्हीं के अकॉर्डिंग कहा गया कि सामाजिक अध्ययन जो है सामाजिक संदर्भ में या उसके संदर्भ के भीतर होता है, जहाँ लोग अवलोकन करते हैं, नकल करते हैं। नकल का मतलब अनुकरण होता है, इमिटेशन होता है ना, कॉपी। और मॉडलिंग के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? दूसरे को देखकर ही तो सीखते हैं, तो वह अवलोकन की प्रक्रिया बन जाती है। जब मैं उसी की बातों को कॉपी कर लेता हूँ, तो वो नकल करने की बात होती है। मॉडलिंग होता है कि जब वो जैसा वो कर रहा वैसा मैं भी करने लगता हूँ, तो मॉडलिंग हो जाता है। तो मैंने किस तरीके से सीखा? देखकर भी सीख सकता हूँ, नकल करके भी सीख सकता हूँ, मॉडलिंग करके भी सीख सकता हूँ। यह प्रक्रिया सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में आती है, ये बात अल्बर्ट बैंडूरा ने कहा था। तो एक बार बताइए आप लोग, यहाँ तक आपको बात स्पष्ट है, समझ पाएंगे? समझ लिया आप लोगों ने? जी सर। चलो,
तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर। मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग जो है, बेंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई थी। फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे हुए थे, है ना, बहुत से टॉयज रखे हुए थे। उन खिलौनों में एक जो है बड़ा सा गुड्डा था, एक बड़ा गुड्डा था। आई थिंक शायद इसमें मैंने पिक भी लिया होगा, है ना, नहीं पिक नहीं, इसमें दूसरे पीडीएफ में है वो पिक। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो उसमें क्या हुआ, बेसिकली एक बड़ा सा गुड्डा रखा हुआ था और वह बालक जो है कमरे में जैसे ही प्रवेश करता था या करता है तो खिलौने के प्रति क्रोध जिक्र करता था। क्या करता था, क्रोध में आ जाता था खिलौने के प्रति, ठीक है। और एक खिलौने के प्रति जब आक्रमक या आक्रमक जैसी प्रक्रिया जब प्रदर्शित करता था तो यहाँ तक कि वो भाग सभी बालकों को दिखाया गया और उसके बाद बालकों को 3 समूह में बांट दिया गया था, ठीक है। फिर बालकों को 3 समूह में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, मतलब ग्रुप बना दिया गया था, 3 ग्रुप बना दिया गया था। अब इन 3 ग्रुपों को अलग अलग तरीके से मतलब फिल्म दिखाया गया। तो पहले समूह वाले जो थे, इस वाले समूह की मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रीन को भी देखा करिए आप सभी लोग, पहले समूह वाले को उसके आगे की फिल्म दिखाई गई तो उसमें बालक को क्रोध के लिए दंडित किया जा रहा था। बात अब ध्यान सुनिए, ये जो मूवी दिखाई गई तो एक बड़ा सा गुड्डा था और उस गुड्डे पर वो बालक क्या करता था, उसका मरोड़ना या आक्रामक जैसी क्रिया विधि को शामिल कर दिया अपना। वो मूवी दिखाकर 5 मिनट फिर फिल्म को बंद कर दी गई। फिर 3 ग्रुप बनाया गया उस उन्हीं में से बच्चों के और तीनों को अलग अलग तरीके से मूवी और उसके आगे की मूवी दिखाई गई। तो एक वाले को दिखाया गया ये कि जो क्रोध मतलब उसमें वो दिखाया गया कि क्रोध करने वाले को दंडित कर दिया गया, मतलब उसे दंड दिया गया, ठीक है। और फिर वो दूसरे समूह वाले की बात अगर हम करें तो दूसरे समूह वाले को जब आगे दिखाया गया तो क्रोध के बदले उसे क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया, है ना, उसको क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। और तीसरे ग्रुप वाले को क्या किया गया, उस समूह को जब मूवी दिखाया गया तो उसे ना तो उस ग्रुप वाले को ना तो दंड मिला और ना ही उसे पुरस्कार मिला, यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, ठीक है। तो यहाँ आप इस बात को समझ सकते हैं कि फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौने के साथ एक कक्ष में बैठाया गया और निरीक्षण किया गया कि जिन बच्चों ने खिलौने के प्रति आक्रामक व्यवहार किया उस व्यवहार के प्रति उसे पुरस्कार वाली फिल्म देखी थी और उन बच्चों ने खिलौने के प्रति आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिया और जिन्होंने दंडित करने वाले बच्चों को फिल्म दिखाई गई थी तो वो कम आक्रामक हुए थे, वो क्या हुए थे, कम आक्रामक हुए थे, तो उनको जो है वहाँ पे कुछ नहीं मिला। इस तरीके की बात जो है जिक्र की गई थी अल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी में। क्या आप लोगों ने ये बात समझ पाए जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था इसने, फिर से बताओ। जी सर। हाँ, इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, है ना, ध्यान रखेंगे खासकर आप सभी लोग इन चीजों को, ठीक है। फिर आप देखें तो इसी सोशल लर्निंग थ्योरी में अल्बर्ट बेंडूरा ने कहा कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो पोषण घटक पर बल देता है। तो कभी कभी हमारे सामने पेपर में जब प्रश्न आता है पोषण घटक, है ना, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शब्द अल्बर्ट बेंडूरा का है या नहीं है। बिल्कुल, ये घटक है, कंपोनेंट है, ये पोषण कंपोनेंट पर बल देता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये शब्द आप लोग IMP के रूप में नोट करिएगा, अल्बर्ट बेंडूरा का नाम। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक जीवन के जो सोशल लाइफ है उसमें अनुकरण के द्वारा सीखने का प्रचलन बहुत अधिक है और किसी प्रतिमान के व्यवहार को देखकर बालक उसका अनुकरण करके उसके साथ तदात्म्य करने के जो प्रयास करता है वो सोशल लर्निंग में आता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि किसी प्रतिमान के द्वारा किए गए विशिष्ट व्यवहार या कोई विशेष या स्पेसिफिक व्यवहार जो अवलोकन से अर्जित नवीन प्रतिक्रिया को ग्रहण करना ही अनुकरणात्मक सीखना कहलाता है, अनुकरणात्मक सीखना कहलाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अल्बर्ट बेंडूरा ने अनुकरण जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, सामाजिक संज्ञानात्मक अगर सिद्धांत का नाम आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वह नाम भी आपको अल्बर्ट बेंडूरा को ही देता है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। बेंडूरा ने कहा कि बालकों के द्वारा किया जाने वाला जो व्यवहार होगा, जो क्रिया प्रतिक्रिया होगा, उसका अध्ययन अगर हम करेंगे तो संज्ञानात्मक सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में करेंगे।
अब कॉग्निटिव आ गया सामाजिक कॉग्निटिव, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीन पियाजे हो जाएगा, ऑप्शन में आपको जीन पियाजे भी मिलेगा, तो इसलिए अल्बर्ट बैंडूरा का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, अल्बर्ट बैंडूरा का नाम आप अवश्य ध्यान रखेंगे। तो चार बात इन्होंने किया है, चार चरण होते हैं इनके जो पेपर में हम लोगों से पूछे जाते हैं। नंबर एक है अवधान, नंबर दो है धारणा, नंबर तीन है पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण, और नंबर चार है पुनर्बलन। चलिए एक बार राजीव जी मुझे बताइए अवधान क्या होता है, राजीव जी बताएं अवधान क्या होता है। ध्यान को क्या? ध्यान, हाँ वही अवधान ध्यान बात एक ही है। अटेंशन। हाँ नहीं मैं इंग्लिश नहीं, मैं आपसे पूछ रहा है इसका डेफिनेशन मुझे बताएं क्या होता है ये अवधान, ध्यान अटेंशन। चलो मैं बताता हूं, देखिए निरीक्षण करता, कोई निरीक्षण करता है उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो मॉडल या जो आकर्षक जो लोकप्रिय जो रोचक व सफल होने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए अटेंशन जरूरी होता है। कोई क्रिया अगर आप कर रहे हैं, कोई क्रियाविधि अगर आप कर रहे हैं, तो उसके लिए अटेंशन जरूरी होता है। आपको बता दूं आपने एक नाम सुना होगा एडीएचडी का, खूब सोशल वर्क में आता है एडीएचडी का नाम, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होते हैं इसको। शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है, अवधान छीन अति सक्रियता विकृति के नाम से जाना जाता है इसको, एडीएसडी। तो ऐसे बच्चों में अवधान या जो अटेंशन होता है उसका जो है कमी पाई जाती है, इसलिए अटेंशन जैसे शब्दों का हम लोग क्या करते हैं यूज में लाते हैं, है ना, इसको हम जो है अटेंशन जैसे शब्दों को यूज में लाते हैं, है ना। तो अवधान जरूरी होता है इसलिए इनका कहना ये था। दूसरा शब्द है धारणा, बताइए अर्चना मैडम धारणा क्या होता है बताइए। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति जो है व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में जब वास्तविक वर्णन के रूप में ग्रहण करता है तो उसे बोलते हैं धारणा, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अवधारणा बोलते हैं उसको। सिंपल बात है कि व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में, मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है कोई व्यवहार है तो अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में वास्तविक वर्णन कर रहा है, वास्तविक मतलब एक रियल वर्णन कर रहा है, तो ऐसे रूप में जब वो ग्रहण कर लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं धारणा बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं धारणा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एक बार म्यूट हो जाइए, देखिए आप लोग अनम्यूट हैं, बैकग्राउंड आवाज भी आ रही है ना, एक बार म्यूट हो जाइए, है ना। फिर अगर हम सर बात यहाँ पर धारणा से तात्पर्य ये हुआ किसी भी चीज के प्रति एक परसेप्शन बना लेना, जहाँ तक मेरा मतलब है उस थ्योरी में, हाँ किसी भी चीज या किसी भी बात को लेकर एक मन में परसेप्शन बना लेना धारणा का कॉन्सेप्ट। परसेप्शन वही प्रतिरूप होता है, और प्रतिरूप ही धारणा होता है, प्रतिरूप ही प्रतिमान होता है। और मैंने कहा है कि अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में वास्तविक वर्णन के रूप में जब आप ग्रहण कर लेते हैं अर्जित कर लेते हैं तो वही धारणा होता है, वही कॉन्सेप्ट होता है ना, वही कॉन्सेप्ट बात वही है, ठीक है। और अगर हम बात करें पुनः प्रस्तुतिकरण के बारे में, तो पुनः का मतलब आप जानते हैं कोई चीज़ दोबारा आ रही है, और प्रस्तुतिकरण का मतलब रिप्रेजेंट आप जानते हैं, हाँ। तो जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद में उसे हम पुनः प्रस्तुत कर लेते हैं तो वह क्या प्रक्रिया कहलाती है, पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग इस शब्द को, जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुत कर देते हैं तो वही पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक शब्द है पुनर्बलन, ठीक है, बताइए अन्नू जी पुनर्बलन क्या होता है बताओ। नहीं पुनर्बलन बताइए, राजीव जी आप बताइए क्या होता है, रिइंफोर्समेंट। पुनर्बलन किया सकता है। ओके चलिए मैं बताता हूँ, पुनर्बलन बेसिकली रिइंफोर्समेंट होता है अगर ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि कर दे, जैसे आप कोई चीज सीखने आप नहीं सीख पा रहे हैं, बार बार आपको बाधा हो रही है, आपके अंदर जो है मोटिवेशन या आप एक प्रकार से कर सकते हैं रेनफोर्समेंट की कमी पड़ रही है, तो अगर मैं आपको मोटिवेट कर दूं, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने ये पढ़ के आओगे कल मैं 5 क्वेश्चन करूंगा
और अगर आपने अच्छे नंबर लेके आओगे तो मैं कल आप लोगों को रिवॉर्ड दूंगा, मतलब भाई हो सकता है पुरस्कार के रूप में टॉफी चॉकलेट एक्सेट्रा कुछ भी मैं आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग क्या करोगे, खूब अच्छे से इसको पढ़ के आओगे। तो आपके लिए जो यहाँ पे मैंने प्रेरणा दिया है, जो मोटिवेशन या जो एक प्रकार से रेनफोर्समेंट दिया है, वो टॉफी है, चॉकलेट है। और उसकी वजह से आप लोगों ने क्या किया कि अपनी क्रिया में वृद्धि कर दिया, अपनी क्रिया में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। तो इसको हम साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है तो उसे हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आनी चाहिए एक बार। हाँ ठीक है, तो रेनफोर्समेंट क्या होता है, ध्यान रखेंगे, एक ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि कर दे उसे हम लोग पुनर्बलन कहते हैं, रेनफोर्समेंट। अब देखिए ये रेनफोर्समेंट आपको पता चल चुका, और रेनफोर्समेंट जैसा शब्द ओसीटी में आता है। ओसीटी जानते हैं आप लोग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं हम लोग, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसने दिया था, बी एफ स्किनर ने, बी एफ स्किनर ने। हाँ, इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है, इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं, ये जो चार मैंने चरण बताए हैं। तो अल्बर्ट बैंडूरा के द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में उन्होंने निम्न कुछ क्रियाओं को भी जो है संतुलित करने के परिप्रेक्ष्य में बताया है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ों को यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, घटक अल्बर्ट बंडूरा का ही है ना? जी जी, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कंपोनेंट के रूप में, ठीक है, चरण के रूप में, घटक के रूप में, पोषण घटक के रूप में अल्बर्ट बंडूरा, और जो अनुकरण के चरण बताए हैं वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इमिटेशन के चरण, अनुकरण के चरण, चार थे मैंने अभी आपको बताए हैं, उसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात, भाषा अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? भाषा अनुकरण का सिद्धांत नॉन चोमस्की, नॉन चमस्की, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़िए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अल्बर्ट बैंडूरा ने जो है सामाजिक अधिगम का जब सिद्धांत दिया तो उसने कहा व्यक्ति अपने आप को कुछ क्रियाओं द्वारा संतुलित करता है। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित करता है, है भाई, क्या करता है, संतुलित करता है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो कौन कौन सी क्रिया है, एक क्रिया आती है स्वनिरीक्षण, एक क्रिया आती है स्वनिरीक्षण, अब दूसरी क्रिया, सर स्क्रीन नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हैं, स्क्रीन तो आ रही है, बिल्कुल। दूसरा अगर हम बात करें तो एक विवेकपूर्ण निर्णय होता है और एक आपका होता है स्व अनुक्रिया, स्व अनुक्रिया। तो ये ऐसे तीन शब्द हैं, इन तीन शब्दों को भी ध्यान रखेंगे। और जब स्वनिरीक्षण की बात होती है तो आप कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में, है ना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। और अगर मैं सब जो है स्वनिरीक्षण के बारे में अगर आपसे बात करूं कि इसका अर्थ क्या होता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, स्वनिरीक्षण का अर्थ वास्तविक प्रेक्षण द्वारा या निरीक्षण करना या परिणाम या निष्पादन जैसे प्रक्रियाओं को रिप्रेजेंट करना, जहां वास्तविक प्रेक्षण और किए गए कार्य का लेखा रखते हैं, लेखा रखते हैं किसका, वास्तविक प्रेक्षण का, किए गए कार्य का लेखा रखना, वह कहलाता है स्वनिरीक्षण, वह कहलाता है स्वनिरीक्षण। ये शब्द को आप ध्यान रखेंगे खासकर।
और फिर अगर हम बात करें आप लोगों से, तो एक शब्द आता है आप लोगों के लिए, विवेकपूर्ण निर्णय। क्या शब्द आता है? विवेकपूर्ण निर्णय। तो ये तो बड़ा आसान है, आप समझ पा रहे होंगे। विवेकपूर्ण निर्णय क्या होता है कि उचित व्याख्या करना। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें, विवेकपूर्ण तार्किक रूप से जब आप बात करते हैं तो आप उचित व्याख्या करने की बात करते हैं, वो शब्द यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाता है। और जो स्व अनुक्रिया होता है, यानी यह शब्द बहुत ही आसान है। अनुक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स होता है। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। तो स्वयं की जो अनुक्रिया होती है, जो स्वयं की अनुक्रिया होती है, वो अल्बर्ट बैंडूरा ने इसमें जिक्र किया है। स्वयं अनुक्रिया, स्वयं की अनुक्रिया के बारे में, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया है, तो एक बार बताइए। जी सर। स्व अनुक्रिया। जी ये जी अल्बर्ट बंडूरा की है सर, ये चार चरण में सर, इनके नान चोमस की आपने लिखा है सर, मैं तो समझ ये अच्छा कितना अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग कोई था। बात नहीं। देखिए सर, मैंने आपको यहाँ पर बताया है अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है, आप क्या बोलेंगे बताइए जरा मुझे। अनुकरण का अनुकरण सिद्धांत का सिद्धांत अल्बर्ट बैंडूरा ने दिया है। क्या नाम देंगे? बैंडूरा जी। बैंडूरा, तो ये नाम करेक्ट करिएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि भाषा अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तब क्या नाम देंगे? नाम चमस्की का। बस इतनी सी बात है, केवल मैंने भाषा अनुकरण के बारे में बात किया है बस। बाकी जो आप वो चार शब्द आप देख रहे हैं, वो चारों शब्द अटेंशन, अवधारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन, वो आपका आता है अल्बर्ट बेंडुरा का, ठीक है। और सर ये अभी आपने व्यक्ति के अपने आप पर निम्न क्रियाओं संतुलित करता है, स्व निरीक्षण, विवेक हाँ, स्व अनुक्रिया। ये जो शब्द आप देख रहे हैं सर, ये इन्होंने व्यक्तियों के द्वारा जो है अपने आप मतलब स्वयं करने वाला एक क्रिया है। या तो आप ये कह लीजिए कि सामाजिक अधिगम बैंडूरा, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में अल्बर्ट बैंडूरा ने बताए हैं कारक, या तो आप इसे कारक के नाम में नोट कर लीजिए, ठीक है। निम्न कुछ कारक हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें आपका तीन शब्द हुआ, एक शब्द मोटिवेशन को भी डाल लीजिए, अभिप्रेरणा भी डाल लीजिए, इसी का है। और एक शब्द और डाल लीजिए आप लोग, स्वनिर्णय। स्वनिर्णय नहीं है ना? नहीं, स्वनिर्णय नहीं है, स्वनिर्णय डाल लीजिए, स्वनिर्णय डाल लीजिए, ठीक है। स्वयं डिसीजन वाली प्रक्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसीजन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ रिस्पॉन्स, ऐसे शब्द जो है हमें आते हैं, देखने को मिलते हैं कहाँ पर? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में अल्बर्ट बैंडूरा के, ठीक है। और मूवी के बारे में जो जिक्र किया है वो भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, है ना, ठीक है। अल्बर्ट बैंडूरा की जो पहली मूवी, जो पहला वाला वो था मूवी जो जिसमें दिखाया गया था, तो उसमें सामाजिक वैल्यू दिखाई गई थी पहली वाली में। क्या थी? सामाजिक मूल्य था पहले वाले में। और दूसरे वाले में क्या था? दूसरे वाले में क्या था? सामाजिक जिसे देखकर बालक सामाजिक व्यवहार करता था, वो पहली थी। दूसरे वाले में क्या था? स्नेह था, प्रेम था। दूसरे वाले में क्या था? स्नेह शब्द था दूसरे वाले में। और तीसरे वाले में क्या था? हिंसात्मक था। हिंसात्मक क्या था? वो हिंसात्मक, ठीक है। ये तीन शब्द आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे बालक जो है गुड़िया की गर्दन को तोड़ देता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको बता दूँ एक चीज़ और, सोशल लर्निंग थ्योरी से ना, जानते हो क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट ये क्यों दिया गया, क्या नाम है, सोशल वर्क में, तो आपको बता दूँ, आइडियल मॉडल प्रस्तुत करता है ये, है ना। क्या प्रस्तुत करता है ये? आइडियल मॉडल प्रस्तुत करता है ये सिद्धांत, ठीक है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे खासकर। अब आप सोचो कि सोशल वर्कर इसे यूज कैसे करेगा, सोशल वर्कर इस थ्योरी को यूज कैसे करेगा, है ना, उपयोग कैसे करेगा, उसकी उपयोगिता कहाँ पर है। तो ध्यान से सुन लीजिए, चाहे वो समूह हो या केस वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो, इन इनमें जो सदस्य होगा, जो व्यक्ति होगा, उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद की भूमिका रहेगी, पहला उपयोग रहेगा इस थ्योरी में, उसके व्यक्तित्व में। दूसरी बात रिपीट करना सर। मैडम, इसके व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद रहेगा। अब ये व्यक्तित्व विकास कहाँ पे होगा?
चाहे वो केस वर्क में हो, चाहे वो ग्रुप वर्क में हो, चाहे वो कम्युनिटी वर्क में हो, बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात को ध्यान रखो, यदि कोई समूह यानी ग्रुप वर्क या कोई केस वर्क या कम्युनिटी वर्क के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है, तो उस प्राथमिक प्रणाली में, प्राथमिक प्रणाली आप समझ गए होंगे, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, उस प्राथमिक प्रणाली में वांछित गुणों का प्रयोग किया जाएगा या वांछित गुणों का उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है। तो कौन सा? वांछित, और वांछित का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, इसका जो है उपयोग होगा उसकी गुणों का, पॉजिटिव गुणों का। ठीक है, गुणों का। तीसरी बात, सामाजिक अधिगम का जो आधार है प्राथमिक प्रणाली में, अनुकरण पर आधार है। ग्रुप के लोग एक दूसरे से सीखेंगे, कम्युनिटी में भी यही प्रक्रिया रहती है, तो इसलिए ये अनुकरण का आधार है। तीसरी बात। चौथी बात, केस वर्क हो या ग्रुप वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो, उसके सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको, या आदर्श मॉडल जो है प्रस्तुत करता है ये, प्रस्तुत करता है ये। पांचवी बात, बच्चों के या ग्रुप वर्क, केस वर्क, कम्युनिटी वर्क के सामने कभी बुरे व्यवहार या अनैतिक मॉडल से बचाना होगा या बचाना चाहिए। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है सामाजिक अधिगमवाद में, सामाजिक कार्यकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सामाजिक कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इस तरीके से हम इसको यूज में लाते हैं। अब बताइए, समझ में आया? चलो, शुक्र है फिर, बहुत बढ़िया जी सर। पहला वाला कहाँ है? पहले व्यक्तित्व विकास होगा सर, इसमें व्यक्तित्व का विकास करेगा। कीवर्ड्स को लिखते जाएं, बहुत है। ठीक है, बस अब मैं आगे बढ़ूं, फिर नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं, ज़्यादा समय ना लूं एक थ्योरीज पे। बाकी तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस पर्सन है ये, है ना, कई बार इसके बारे में जो है पूछा जा चुका है, बताया ही मैंने आप लोगों से है इसके बारे में, है ना। साइको, साइको जो है, साइकोलॉजिकल मॉडलिंग की बात करेगा तो इसी किताब है, द सोशल लर्निंग थ्योरीज की किताब है, सोशल लर्निंग इन साइंस करके किताब आती है, इन्हीं की किताब है। बड़े फेमस पर्सन है ये अल्बर्ट बंडूरा महोदय, इनसे कई बार पेपर में हमारे प्रश्न आ चुका है, है ना। चलो आगे बढ़ें फिर, एक बार बताइए ना। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हम जो है कंटेंट टॉपिक लेते हैं। हमारे सामने अगला जो पॉइंट आ रहा था वो आ रहा था रेशनल चॉइस थ्योरी करके। अब इसके बारे में अगर हम बात करें रेशनल चॉइस थ्योरी, तो आप यहाँ पर क्या बताना चाहना चाहेंगे, बताइए। चलिए अपने भी विचारों को आप लोग प्रकट करते रहिएगा, बताइए। मैंने आपसे सवाल किया है, अगर मैं रेशनल चॉइस जी, एक मिनट, तो इसको हम लोग बोलेंगे तर्क संगत विकल का सिद्धांत। हम क्या बोलेंगे? तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत हम यही बोलेंगे। और आपको बता दूं, ये 1950 और 1960 के दशक में समाजशास्त्री थे जिनका नाम था जॉर्ज सी होमस, है ना, पीटर ब्लाउ और जेम्स कॉलमैन ने सामाजिक आदान प्रदान के संबंध में तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। और इन्हीं सामाजिक सिद्धांतकारों ने कहा कि लागत और पुरस्कार के आदान प्रदान की जो तर्कसंगतता होगी, जिसकी गणना सामाजिक व्यवहार को बढ़ाती है,
सामाजिक गणना को, इसके व्यवहार को बढ़ाती है। तो तर्कसंगत जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा अहम भूमिका चार्ल्स सी होमस ने दिया है, और 1950 और 60 का जो दशक होगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें अगर आप लोगों से प्रश्न पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से समग्र सामाजिक व्यवहार उत्पन्न करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, असामाजिक व्यवहार, वहां पर हम इसको यूज में लाते हैं, खासकर व्यक्तिगत और ग्रुप वर्क में। खासकर इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिटी वर्क में नहीं यूज करते, यूज करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से केस वर्क और ग्रुप वर्क में हम इसको यूज में लाते हैं, है ना। तो तर्कसंगत व्यवहार एक प्रकार से पूर्वानुमानित चीज़ों को दर्शाता है, विचारशील जैसी प्रक्रियाओं को बताता है, चिंतनशील जैसी प्रक्रियाओं को बताता है ना, उसके बारे में जिक्र करता है। यहीं रैंडम जैसी प्रक्रियाओं की बात करने लगता है ना, और ये प्रक्रियाएं भी अनुकरण द्वारा आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अनुकरण ये दिया है, सारी चीज़ें अनुकरण से ही ये चीज़ें जो है व्यक्ति करता है समाज में, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रक्रियाएं अनुकरण की भी इसमें संचालित हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे खासकर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है थ्योरीज, सीखने का सिद्धांत, और आपने सीखने का सिद्धांत में तो देखा ही होगा, लर्निंग के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये तो हमारे सामने एक आता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, मालूम है आपको, जरा बताएं। बताएं, एक बार बताइए आप लोग, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक, वेरी गुड। यहाँ पे थॉर्नडाइक ने दिया था, ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक को अमेरिका का विद्वान है ये, और आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहला, किसे कहा जाता है, जरा बताएंगे आप लोग, आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ईएल थॉर्नडाइक हैं, बिल्कुल करेक्ट जवाब। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत से क्या आप समझते हैं, जरा आप बताना चाहेंगे? प्रयत्न एवं त्रुटि या भूल का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, जरा बताएंगे, बताइए। सर बार बार जिसमें वो ट्राई करता है, प्रयत्न करता है, अचीव करता है। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, जिसमें ट्राई करते हैं अलग अलग, मतलब उसमें वेरिएबल स्टेप का मतलब पुट करके। ओके, ठीक है, चलिए। आपने अपने विचारों को बताया, सही बताया, कि इसका मतलब ये होता है कि गलतियां, जैसे कभी कभी होता है ना, गलतियों से सीखना, है ना, गलती करके सीखना, या प्रयत्न या ट्राई करके या प्रयास करके भूल के, ठीक है, उस चीज़ों को सीखना, इसके बारे में जिक्र करते हैं अल्बर्ट, सॉरी ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक ने, आपको बताऊं, जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट, अभी अभी हमने पढ़ा अल्बर्ट बेंडुरा के बारे में, बोबोडोल और जीवित जोकर के बारे में, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने एक जो है बिल्ली पर किया था शोध, और बंदर पर किया था, ठीक है, ईएल थॉर्नडाइक ने। तो आपको मैं बता दूं, ईएल थॉर्नडाइक जो है पहला अधिगम सिद्धांत तो दिया था, परंतु ये बुद्धि पे नहीं था, बुद्धि पर नहीं था ये। अच्छा, चाहे वो सीसीटी हो, चाहे वो ओसीटी हो, है ना, चाहे वो समाज जो है बिहेवियर का जेबी वॉटसन का हो, ठीक है, तो इन लोगों ने जो भी सिद्धांत दिए हैं ये बुद्धि पे नहीं था, ये बुद्धि पर नहीं सिद्धांत था, इस बात को आप खासकर ध्यान रखिएगा। तो समय समय पर मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम और विभिन्न सिद्धांतों का विकास किया, और हम इसके दो प्रमुख भाग देखते हैं, एक भाग देखते हैं सहचर्य का सिद्धांत, और एक देखते हैं
क्षेत्रवाद का सिद्धांत। फील्ड थ्योरी में बेसिकली कर्ट लेविन का नाम सन 1960 में जिक्र होता है, आती है, वहाँ पर जिक्र होता है, लेकिन फील्ड थ्योरी के बारे में थोड़ी सी जिक्र है जो है थॉर्नडाइक की भी नाम हमें देखने को मिलता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी कर्ट लेविन का नाम 1960 भी ध्यान रखेंगे, जो कि यूजीसी नेट का बहुत ही फेमस सवाल है, वो कर्ट लेविन का फील्ड थ्योरी है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने, इनके सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा गया, इन्हीं को संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा गया, ऑपरेट कंडीशनिंग और स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है ना, ये तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत उसका है, स्किनर का है ना, और ये जो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है ये इवान पैट्रिक पावलाव का है, ये पावलाव का है, ये थॉर्नडाइक का है, और ये अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसका हो जाता है, कोहलर का हो जाता है, और अनुकरण का सिद्धांत किसका हो जाता है, बताइए अभी पढ़ा है आपने, बंडूरा हो जाता है, बिल्कुल सही बात, हाँ ये सही है, ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। हाँ, अब देखिए इसी अधिगम के सिद्धांत को जो है दो भागों में बांटा गया था, एक साहचर्य में बांटा गया, तो साहचर्य में पुनर्बलन आया, और पुनर्बलन पर आधारित जहाँ होगा वहाँ पे उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों होगी, और एक था कि पुनर्बलन नहीं रहेगा, और जब पुनर्बलन भी नहीं रहेगा तो उसमें भी उद्दीपक और अनुक्रिया रहेगी, तो पुनर्बलन किस में नहीं था, पावलाव वाले की थ्योरी में पुनर्बलन नहीं था, रेनफोर्समेंट नहीं था, लेकिन रेनफोर्समेंट थॉर्नडाइक वाले के सिद्धांत में था और ओसीटी में था। तो कभी कभी पेपर में प्रश्न ऐसे ही बनाया देता है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा जो है, कौन सी थ्योरी है जो पुनर्बलन पर आधारित है, तो पुनर्बलन पर आधारित आपका एक तो थॉर्नडाइक की थ्योरी है प्रयत्न एवं भूल, और दूसरा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं हम लोग, बीएफ स्किनर की है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग है ना। और पुनर्बलन पर कौन आधारित नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा इवान पैट्रिक पावलाव की, जिन्होंने कुत्ते पर 1904 में किया था है ना। सबसे प्राचीन अगर कोई अनुबंधन का सिद्धांत है प्राचीन में, इसीलिए इसका एक और नाम है शास्त्रीय प्राचीन बोला जाता है, पेपर में आपने नाम भी देखा होगा इसी तरीके से लिखा आता है, शास्त्रीय प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये नाम किस, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी यही है क्या? नहीं नहीं नहीं, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी अलग है, कॉग्निटिव देखो सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी तो अभी हमने पढ़ा है ना, उन्हीं की है। अगर केवल कॉग्निटिव थ्योरी की बात करते हैं तो जीन पियाजे का नाम आता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं तो जीन पियाजे का नाम आता है, ठीक है, है ना? अब यहाँ पर देखिए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत में, तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले जो है, एक बार मैं इस पीडीएफ को ना दोबारा से ओपन करता हूँ सही तरीके से, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत में, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा सन सबसे पहले 1898 में यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था, हालांकि सन 1913 में ये प्रकाशित हुआ, ये क्या हुआ, ये प्रकाशित हुआ, और इसमें कहा गया, अभी अभी मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया है कि ईएल थॉर्नडाइक महोदय ने कहा इसी सिद्धांत को कि ये बंद का सिद्धांत है, जिसको बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। तो कभी कभी पेपर में हम लोगों से जब बन जाए सवाल ना कि बॉन्ड थ्योरी किसने दिया है, तो आप लोग नाम क्या लगाएंगे, ईएल थॉर्नडाइक का नाम लगाएंगे। और कभी कभी आपसे अगर प्रश्न बोले कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो भी इसी का नाम आएगा। अगर मैं एक सवाल करूँ आप लोगों से, आप मुझे बताएं कि गलती करना शिक्षण अधिगम का एक भाग है, तो आप बताइए निम्न में कौन सा विद्वान ये बात कहा है, थॉर्नडाइक, बिल्कुल, बात को समझ के दीजिएगा जवाब आप सभी लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि सीखे हुए कार्य को दोहराना आवश्यक है और फिर प्रेरित करने पर बल दिया जाता है, तो यह सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। प्रयत्न कार्य से गलती कम किया जा सकता है, और ये भी बात थॉर्नडाइक की है। उद्दीपक व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करती है, कितने लोग उद्दीपक को समझ रहे हो, बताइए बताइए, आरती मैम उद्दीपक बताइए, हाँ स्टिमुलस, ये आवाज नहीं आ रही है, हाँ प्रेरणा मिल रही हो, प्रेरक मार ली हो, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी। अगर हम बात करें आप लोगों से प्रेरणा को लेकर,
तो स्टिमुलस जो शब्द होता है ना, जैसे एक प्रकार से वो इंटरनली आपको मोटिवेट कर रहा है, स्टिमुलस को लेकर, है ना, तो आप क्रिया में बढ़ोतरी कर देते हैं। तो आपको मैंने बताया ना, दो ऐसी थ्योरी है जो स्टिमुलस पे आधारित है, एक तो थॉर्नडाइक की है, दूसरी बी एफ स्किनर की है, दूसरी बी एफ स्किनर की है। दोनों उद्दीपक पर हैं और उद्दीपक के साथ साथ वो रेनफोर्समेंट को प्रस्तुत करते हैं, रेनफोर्समेंट को प्रस्तुत करते हैं, है ना। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से सुनिए आप लोग मेरी बात को। यहां आपको बता दो, ये एक बॉक्स था, यहां अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बॉक्स बना हुआ है, और इस बॉक्स में जो है एक बिल्ली है, ठीक है, एक बिल्ली है। बात को बड़े ही ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। और यहाँ ये लीवर दबा है, एक लीवर है यहाँ पे, और ये जो लीवर है, यानी लीवर मतलब बटन, आप बटन कर लीजिए या आप लीवर भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये गेट है, ये क्या है, ये गेट है। और बाहर जो है, यहाँ कुछ जो है पीसेस रखे हुए हैं फिश के, ठीक है, यानी मछली के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं या मछली की पीसेस रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब ये जो बिल्ली है, ये क्या है, ये बिल्ली भूखी है, और जो बिल्ली भूखी है ना, ये बेसिकली प्रेरक है। ये जो भूख है वो क्या है, वो प्रेरक है। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगेगी तो जाहिर सी बात है वो अनुक्रिया करेगा। अगर आपको ही अगर भूख लगेगी तो भाई भोजन प्राप्त करने के लिए आप अनुक्रिया करेंगे। अनुक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स करेंगे कि कहीं से भोजन मिले, चाहे आप बनाइए चाहे आप जाके मार्केट से खरीद के लाइए, ठीक है। तो ये जो अनुक्रिया है, यानी इस बिल्ली की क्या है, ये भूख क्या है, आवश्यकता है, ये मतलब इसको आवश्यकता है। तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ प्रेरक जो है भूख है, प्रेरक क्या है, भूख है। अब जैसे जब इसको भूख लगती है तो ये क्या करती, अनुक्रिया करती है। तो बिल्ली कभी इस तरीके से जाके लीवर को दबाती थी, जैसे ये लीवर दबता था, यानी पुश होने के बाद ये गेट जो है ओपन हो जाता था, ये गेट जो है ओपन हो जाता था, और फिर ये जो है फिश की जो पीसेस थे इसको ये प्राप्त कर लेती थी। अब ये जो फिश की पीसेस है ना, ये उद्दीपक है, ये क्या है, ये उद्दीपक है। अब वो कुछ समय के लिए उसको भूख नहीं लगा है, फिर उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद फिर भूख लगा और फिर वही अनुक्रिया करने लगी बिल्ली। तो अब जरूरी तो ये नहीं कि बिल्ली डायरेक्ट गई हो, डायरेक्ट गई और लीवर दबाया और तुरंत गेट खुला और भोजन प्राप्त, ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता भाई, उसे थोड़ी ना ये पता। लेकिन लेकिन जब ये बार बार ये अनुक्रिया करेगी, बार बार उस चीज को करेगी, हो सकता गलती से इसने ये पीछे चली गई हो और पीछे से घूम के आई हो, गलती से प्रयास कर रही ना, वो प्रयत्न कर रही है और गलती से फिर यहां पे आके दबाई। तो ये इसका कहने का, इस थ्योरी का मतलब यही है कि बार बार ये जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, है ना, इससे क्या हो रहा है, त्रुटियां हो रही हैं, इसमें सीख रही है वो चीजें कुछ। और जब उसे भोजन मिल जाता है तो वो संतुष्टिकरण की ओर बढ़ जाती है, वो पुनर्बलित हो जाती है जब उसे भोजन मिल जाता है, तो है ना। तो इसलिए यह सिद्धांत उद्दीपक होने पर बल देता है, और उद्दीपक के पीछे मछली के टुकड़े के पीछे अनुक्रिया होने का बल देता है, या अनुक्रिया होने पर काम करती है। और आपको बता दूं, इस सिद्धांत में आपको बता दूं, तत्परता और अभ्यास पर बल दिया जाता है। अब किसी चीज के लिए अगर आप तत्पर रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो वो चीजें होंगी। बार बार जब तत्पर जो है तत्पर रखने के लिए आप अभिप्रेरक होंगे, है ना, इस चीजों को, है कि नहीं। और फिर यह सिद्धांत पुनर्बलन पर बल देता है, और पुनर्बलन के द्वारा ही अनुक्रिया में वृद्धि होती है, रेनफोर्समेंट के द्वारा ही अनुक्रिया में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत जो है उस पर बल देती है, और त्रुटि के द्वारा होने वाली जो होती है गलतियां, वो कम होती हैं, एरर्स कम होता है। अब इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस करो। मैथ में क्या होता है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, गलतियां कम होंगी, है ना, इसलिए प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। और पुनर्बलन पर बल दिया जाता है, अनुक्रिया में वृद्धि होती है, गलतियां कम होती हैं, है ना। इस चीज को आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा।
अब बात आती है कि ये सोशल वर्क में कैसे यूज होगा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल वर्क में हम इसे कैसे यूज करें, समाज कार्य में उपयोगिता, ठीक है। आवाज वगैरह क्लियर है ना, बताइए। देखिए, अब यह सिद्धांत जो है ना उद्दीपक और अभिप्रेरणा पर आधारित है, ये बात आप जानते हैं। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को, ठीक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता को क्रियाविधि करते समय उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा देना चाहिए। आप बताओ, जब आप कोई क्रियाविधि करोगे तो क्या आप क्लाइंट को, ग्रुप को और कम्युनिटी को प्रेरणा नहीं दोगे, दोगे कि नहीं दोगे, बताओ। और जब आप मोटिवेट दोगे, जब आप प्रेरणा देंगे, तो जब आप अभिप्रेरणा देंगे तो अभिप्रेरणा हम ये बात कह सकते हैं कि देन किसकी रही, किस थ्योरी की देन रही कि जो सोशल वर्क में अभिप्रेरणा शब्दों को बताता है, इस थ्योरी में मेंशन किया गया है, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी में। तो अभिप्रेरणा की भूमिका होती है। वहीं अगर हम बात करें, इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि इस सिद्धांत में तत्परता और अभ्यास पर बल दिया जाता है, तत्परता और अभ्यास पर बल दिया जाता है। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा ये तत्परता वगैरह क्या है, है ना। तो तत्परता और अभ्यास पर जब ये बल देता है, तो मैं बात ये भी कह सकता हूँ कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सर्वप्रथम ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क और केस वर्क के सिखाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, ग्रुप वर्क में बताना चाहिए, केश वर्क में बताना चाहिए और कम्युनिटी वर्क में बताना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये तब आप बताओगे जब केश वर्क का सेवार्थी, और अगर हम बात करें ग्रुप वर्क का सदस्य, कम्युनिटी वर्क का सदस्य, जब वो प्रयत्न और अभ्यास के लिए वो तत्पर रहेगा, है ना, तत्पर और अभ्यास के लिए जब वो रहेगा आधारित, या उस पर जब वो बल देगा, यानी वो तत्पर रहेगा काम करने के लिए, तब ये चीज़ें जो है हम उसको देंगे। तो सबसे पहले इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, तत्पर और अभ्यास जैसे शब्दों को भी हम यूज करते हैं, तत्परता एवं अभ्यास। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको बता दूं, प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं त्रुटि पर बल देता है। यदि आपसे अगर मैं कहूं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को सिखाते, पढ़ाते या कोई क्रियाविधि कराते समय गलतियों को अभ्यास द्वारा क्या कर सकता है, वो कम करने पर बल दे सकता है, तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। सोशल वर्कर यहाँ पे जब प्रयत्न एवं त्रुटि पर बल देगा, तो सोशल वर्कर उसको, चाहे वो सिखा रहा हो या पढ़ा रहा हो या कुछ भी करवा रहा हो, तो वो बार बार जब करेगा तो वो सेवार्थी और क्लाइंट जो है वो गलतियाँ भी करेगा, तो गलतियों को अभ्यास द्वारा कम करने पर बल देता है, तो इसलिए इसमें भी यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रयत्न एवं त्रुटि, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दूँ, यह जो थ्योरीज है बेसिकली सोशल वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स में यूज करता है। कहाँ पे यूज करता है, गणितीय में यूज करता है, मैथमेटिक्स में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। बताओ उपयोगी है कि नहीं मैथमेटिक्स के लिए, बताइए। गलती होगी तो जाहिर सी बात है सीखेगा, आएगा कुछ ना कुछ तो से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट आपको अगर मैं बताऊं कि इस सिद्धांत में जैसे आप बार बार कोई चीज़ जो है की जा रही हैं, गलतियां जो हो रही हैं, ठीक है, तो वो गलतियां भी एक प्रकार का समाज कार्य में सोशल लर्निंग का ही पार्ट है। अतः ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, केश वर्क की गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए जो क्लाइंट है, जो वहाँ पर सदस्य हैं, उसको अभ्यास करने के लिए या अभ्यास करने पर आप बल दें, है ना, उस पर आप प्रैक्टिस करें, यानी बल दें उस पर, है ना, ज़्यादा ज़्यादा जोर दें, इस चीज़ को बताता है ये, ठीक है। अब यही थॉर्नडाइक महोदय ने, इन्होंने दो आपको बता दूं सीखने के नियम बताए, जिसको लॉ ऑफ लर्निंग कहा गया। और जब लॉ ऑफ लर्निंग आया, कितने लोगों को पता है लॉ ऑफ लर्निंग, बताएंगे ज़रा कोई, कितने लोगों को पता है लॉ ऑफ लर्निंग, बताइए त्रिपाठी जी। ओके, चलो अब देखो, लॉ ऑफ लर्निंग की बात करें तो एक आपका आता है प्राथमिक, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य नियम, मुख्य नियम।
और एक होता है गौण, और इसी को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक नियम, द्वितीयक नियम। अब मुख्य नियम कुल कितने थे? तीन थे। गौण नियम कुल कितने थे? पांच थे। और लॉ ऑफ लर्निंग कुल कितने थे बताइए आप लोग? आठ। वेरी गुड, कुल आठ थे। अब ध्यान से सुनिए, पहला नंबर जो था इसमें तीन वाले में, इसको कहा गया लॉ ऑफ रेडीनेस, बस इसको बोला जाता है रेडीनेस को तत्परता का नियम, तत्परता का नियम पहला। दूसरा था अभ्यास का नियम, यानी इसको कहा गया लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। और तीसरा था प्रभाव का नियम, इसको क्या बोला गया? लॉ ऑफ इफेक्ट, है ना, इस ये बोला गया। अब ध्यान से सुनिए एक एक शब्दों में। तत्परता का नियम मतलब ये रुचि जागृत और जिज्ञासा जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, तैयार करता है, मोटिव करता है ये तत्परता। आप बताइए, अगर किसी, जैसे अगर आपको मान लो यूजीसी नेट क्रैक करना है ना, आप चाहते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, तो आप तत्पर हैं पढ़ने के लिए, है ना, आप मोटिवेट हैं, तत्पर हैं, तो इसलिए तत्परता का नियम लागू होता है। तो कोई चीज तत्पर अगर कोई व्यक्ति है तभी वो पढ़ सकता है, है ना। अगर आप तत्पर हैं तभी पढ़ सकते, हम बाध्य नहीं कर सकते उसे, है ना, कि भाई नहीं जरूरी है आपको करना ये। और मान लो आप, बहुत लोग होते हैं ना जबरदस्ती पढ़ाएंगे भी तो थोड़ी ना पढ़ेगा, है ना, जबरदस्ती करके आप पढ़ाओ वो थोड़ी, जब तक वो तत्पर नहीं है तब तक नहीं पढ़ा सकता भाई, कोई चीज़ नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे, है ना। इससे बढ़िया है भैया कि तत्पर होना जरूरी होता। और तत्पर होगा कैसे? तत्पर होगा उसकी रुचि, उसकी जागृति जो है, जागृत अवस्था या जिज्ञासा अवस्था कह सकते हो, या तैयार होना या मोटिव होना, ये तीनों चीज़ों को आप यूज में लाओ, तब उसे तत्पर करो, तब जाके वो पढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करो, है ना। उसके बाद आता है आपका अभ्यास, ये इसका मतलब है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये कब यूज़ में आता है? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, इसमें दो प्रक्रियाएं बनती हैं, ये बेसिकली आपको जो दो प्रक्रिया बनती है, इसमें एक उपयोग बनता है और एक जो है अनुपयोग बनता है। दो शब्द बनता है, उपयोग एंड अनुपयोग। दोनों चीज़ों को अगर हम जब समझेंगे ना तब समझ में आएगा अच्छे से। अब देखिए, उपयोग का मतलब ये होता है कि जिस कार्य का हम अभ्यास कर रहे हैं बार बार, जो कार्य को हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं उसे सफलतापूर्वक शीघ्र सीख जाएंगे जब वो उपयोग में आएगा, जब हमारे वो यूज़ में होगा। जो चीज़ें हमारे, जैसे अगर मैं मान लो सोशल वर्क आप लोगों को डेली अगर आप पढ़ेंगे, वो आपको डेली यूज़ में रहेगा, तो आपको पता हो जाएगा ना कि वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने ये चीज़ें दी हैं, ठीक है, और क्या नाम है आपका, अल्बर्ट बैंडूरा ने ये बातें की है, ठीक है, थॉर्नडाइक ने ये बातें की है, कोहलर ने ये बातें कहा है, ठीक है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में अगर हम बात करें, या मर्टन की बात करें, मिडिल रेंज थ्योरी दिया है, जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जब ग्रांड थ्योरी की बात होगी तो राइट मिल्स ने दिया है, ये चीज़ें तब आपको पता होगी जब आप बराबर इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में बार बार सुनेंगे, तो वो चीज़ें होंगी। तो ये आपके उपयोग में आ गई। सपोज एक चीज़ और मैं बात करूँ आपसे, जैसे आप मैथमेटिक्स की काम कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बार बार मैथ को लगा रहे हैं, सवाल गलत आ रहा है, ठीक है, तो जब आप बार बार गलतियां करेंगे तो वो सीख जाएंगे, एक बार आपका सही आ जाएगा, तो वो क्या आपका आ जाएगा, उपयोग में आ जाएगा। तो जिस कार्य का अभ्यास आप बार बार करते हैं वो चीज़ें आपके उपयोग में आती है, है ना। बहुत लोगों को, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, फ़ोन में क्या होता है कि फंक्शन पता नहीं होता है कि कौन सा फंक्शन कौन सी सेटिंग में है, अगर आप फ़ोन में पूछ लोगे तो। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर आप फ़ोन दे दो तो दो चार बार इधर उधर करेगा, फिर वो सेटिंग सही कर देगा, है ना, वो फिर सेटिंग सही हो जाएगा दो चार मिनट बाद इधर उधर। और अगर उससे पूछोगे तो वो चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कि आप सेटिंग में जाइएगा। कुछ लोग हैं भाई बता देंगे कि सेटिंग में जाएंगे, डिस्प्ले पे जाइएगा, डिस्प्ले में वहाँ से ये करिएगा, लाइट वगैरह कम हो जाएगी, कुछ लोग हैं ऐसे कर देंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, क्योंकि उनको बार बार वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बार बार फ़ोन चला रहे हैं, है ना। अपने घर में छोटे से बच्चे से ही ले लो, एक यूट्यूब पे बगल में माइक होगा, उसे मालूम है कि इस माइक में अगर रखूँगा मैं बोलूँगा तो तुरंत आवाज़ आ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें होती है, ये यूज़ में कहलाती है। अब अनुपयोग क्या होता है? अनुपयोग वो होता है कि आप जो सीखे गए जो कार्य हैं अब उसको आप उपयोग में ही नहीं कर रहे। आज अगर मैंने आपको पढ़ा दिया इस थ्योरी के बारे में, अगर आप कभी ना सुन रहे हो, अब आप इसको रिविज़न नहीं कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर भूल जाओगे एक दिन कि क्या होता है, तो वो अनुपयोग हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अभ्यास का नियम ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी लंबे समय के लिए, ठीक है।
दूसरी बात एक आती है प्रभाव का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ इफेक्ट, या बेसिकली हम इसको इसमें दो चीज़ें यूज कर सकते हैं, एक संतोष और असंतोष। ठीक है, इसमें क्या यूज कर सकते हैं? संतोष शब्द, और एक शब्द यूज कर सकते हैं असंतोष। अब देखो कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं संतुष्टिकरण, हम इसी कभी कभी परिणाम का नियम भी बोलते हैं इसी को ही, प्रभाव को। तो जैसे संतुष्टिकरण या असंतुष्टिकरण, जिस कार्य के बाद, जैसे मैं अभी पढ़ा दिया आपको, और पढ़ाने के बाद अगर आपको संतोष या सुख मिलता है तो हम उसे बार बार करना चाहेंगे, हम उसे बार बार पढ़ना चाहेंगे। तो ये प्रभाव डाला वहाँ पर, है ना, वह प्रभाव डाला कि जिस कार्य के बाद हमें संतोष या सुख मिला है तो वो आपको क्या डाला है, ये इफेक्ट डाला है। असंतोष क्या है, जैसे आपको अगर मैं बात करूँ शिक्षा पुरस्कार व दंड जैसा नियम लागू हो जाए तो वो असंतोष जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट कर, जैसे अगर आप संतुष्ट ना है, आपको समझ ना आया वो चीज़ें, तो आप असंतुष्ट हैं, तो वो प्रभाव कम डाला, है ना, वह प्रक्रियाएँ कहलाती हैं। तो ये तीन नियम होते हैं। अब पांच नियम इधर भी हैं, आपको बता दूं, एक होता है आपका यहाँ पे अभिवृत्ति का नियम, अभिवृत्ति का होता है एक, एक होता है सहदृश्यात्मक का नियम, और एक होता है आपका सहचर्य का नियम, और एक यहाँ पर होता है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, एक होता है पांचवा आपका निश्चित बदलाव का नियम, निश्चित बदलाव का नियम, ये पांच होते हैं। ठीक है, अब देखो अभिवृत्ति क्या होता है, एक लाइन में समझो। जैसे अभिवृत्ति को हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं, मनोवृत्ति बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान, आप लोगों ने सुनते नहीं हो क्यों आरती मैडम, नहीं कहते भाई उसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, है ना, पता है? ये पॉजिटिव शब्द है ना कि निगेटिव शब्द है, है ना, ये पॉजिटिव शब्द है, एटीट्यूड जो है पॉजिटिव शब्द है, लेकिन लोग क्या है, लोग जो है इसको निगेटिव पॉइंट में लेते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले महिलाएँ तो सबसे पहले बुरा मान जाती हैं, अरे ये तो हमें ऐसे बोल दिया, हमारे अंदर बड़ा एटीट्यूड है ना, जो कि ऐसा, ये पॉजिटिव शब्द, उनको समझना चाहिए कि किसी कार्य को बार बार करना वो एटीट्यूड होता है, और ये वो कर सकता है जिसके अंदर कोई ललक है, कोई चीज़ पाने की प्राप्त वो है कि मुझे ये पाना है, मुझे यूजीसी नेट क्रैक करना, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर इस साल बनना है, तो वो होता है, ये एटीट्यूड होता है, इसको बोलते हैं एटीट्यूड, है ना। वो निगेटिव में ले लेते हैं, अच्छा मेरे को एटीट्यूड बोल दिया भाई, दरअसल वो ईगो कहना चाहते हैं, लेकिन हाँ है। अब ईगो, ईगो अगर हम बात करें ईगो ना, आप वहां पे ना ईगो भी शब्द, अहम, अहम भी शब्द एक प्रकार का अच्छा शब्द है, निगेटिव शब्द नहीं है, है ना। ईगो भी अगर देखो आपके अंदर अगर ईगो नहीं आएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। अरे भाई अगर कोई जल रहा है तो जलने दो उसको, कोई कुछ कर रहा है करने दो, लेकिन अपने बातों पर अटल रहो, आप बस पॉजिटिव में रहो ना, क्या दिक्कत है, निगेटिव में जाना ही नहीं हमें। तो ये होता है ईगो और एटीट्यूड में कुछ अंतर। अब दूसरा शब्द होता है सादृश्यात्मकता। सादृश्यीकरण क्या होता है, बेसिकली कोई पहले की अनुक्रिया के आधार पे, जो आपने पूर्व कोई अनुक्रिया बनाया हो, कोई रिस्पॉन्स बनाई गई हो, अब उस पूर्व की अनुक्रिया के आधार पे कोई नई अनुक्रिया आ रही हो तो सादृश्यात्मकता बन जाती है। आपने नाम मैंने पढ़ाया भी आपको जीन पियाजे के बारे में, आई थिंक याद भी आ रहा होगा आप लोगों को, शायद मैंने एक शब्द बनाया था आप लोगों को, समावेशन शब्द, याद आ रहा है किसी को, कि प्रचलित जो पुरानी अवधारणाएं थी उसमें प्रचलित अवधारणाएं जोड़ दिया जाए। चलो नहीं, आपने आगे आने वाले टाइम में आएगा, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों से तो याद आ जाएगा आप लोगों को, वहां पे बताऊंगा कि मैंने आपको बताया था, वही शब्द है यहाँ पे सादृश्यात्मकता। ठीक है, सादृश्यात्मकता जो शब्द है कि पहले की कोई अनुक्रिया है, कोई रिस्पॉन्स है, लेकिन वहां जो होगा जिन प्याजे की वो सूचना होगी, यहाँ सूचना नहीं है, यहाँ अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है। कोई जो पहले आपने कोई अनुक्रिया किया था, जैसे बिल्ली के ले लेते हैं, बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली पहले इस रास्ते से गई थी घूम के, यहाँ लीवर दबाई थी बिल्ली। ठीक है, अब ये जो अनुक्रिया पहले की थी, अब बाद में उस अनुक्रिया में उसने नवीन अनुक्रिया कर दिया, नया अनुक्रिया क्या था उसका, बिल्ली शायद डायरेक्ट चली गई लीवर के पास, ये नई अनुक्रिया बनी कि नहीं बनी बताओ, ये नई अनुक्रिया बन गई, नया रिस्पॉन्स बन गया। हाँ, इसी को सादृश्यात्मकता बोला जाता है। और एक आता है साहचर्य। साहचर्य जानते थे क्या है, साहचर्य बेसिकली सिंबल होता था, जैसे क्या उसमें अगर मैं बात करूं तो मैंने एक बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स में एक लीवर जो यहाँ पे था रेड कलर का लीवर जो था, ये जो लीवर है ना ये सिंबल है, ये क्या है, ये सिंबल है। और पावलाव का उद्दीपक में जानते हैं क्या था, अगर मैं साहचर्य को रिलेट करूँ तो, एसोसिएट को रिलेट करूँ तो, भोजन और घंटी थी, भोजन और
घंटी थी, नहीं नहीं साहचर्य मैं बात कर, देखो आपको रिलेट करना है, मैंने उद्दीपक नहीं पूछा है, मैंने साहचर्य पूछा है, साहचर्य जो घंटी थी, साहचर्य घंटी की आवाज उद्दीपक था मैडम, ठीक है, घंटी की आवाज उद्दीपक थी। अच्छा दूसरी, अब देखो किसी अगर हम बात करें, एक आता है बहु प्रतिक्रिया। अब बहु प्रतिक्रिया क्या थी, जैसे अगर सपोज अगर मैं कहूँ किसी क्रिया को, किसी कोई एक्टिविटी है, कोई कार्य है, और उस क्रिया को एक से अधिक बार, एक से अधिक बार करते हो तो उसे बहु प्रतिक्रिया बोलते हैं। जैसे बिल्ली क्या करी, बिल्ली ने लीवर को दबाने के लिए कई बार वो क्रिया करती गई, फंक्शंस करती गई, तो उसको कहा गया बहु प्रतिक्रिया, उसको क्या बोला गया, बहु प्रतिक्रिया बोला गया। तो व्यक्ति भी ऐसे ही करता है, ऐसे नहीं है कि वो कोई काम जो है एक ही बार में कर जाए, है ना। बहुत बच्चे हैं दो बार तीन बार सारे यूजीसी में बैठे हैं, अभी दो बार में नहीं हो पाया, तो वो बहु प्रतिक्रिया ही तो चल रही है ना, है ना, ये बहु प्रतिक्रिया ही चलती रहती है सफलता पाने के लिए। और एक पांचवा होता है निश्चित बदलाव करना। निश्चित बदलाव का नियम क्या होता है कि बहुक्रिया के आधार पर ही होता है ये निश्चित बदलाव करना। बिल्ली अंत में क्या करती है, सफलता बिंदु पे आ जाती है, सफलता बिंदु उसके लिए क्या था, भोजन मिल जाना, है ना, उस पर पहुंच जाती है। जब भोजन पर ये प्राप्त हो जाती है इसको, तो अगर जब मैं इस पर बात करूँ, प्रतिक्रियाओं पर जिक्र करूँ, तो यह पाठ बनता है संपूर्ण से अंश की ओर, होल टू, अभी ध्यान रखिएगा, होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की तरफ, होल टू पार्ट। अब आपको एक थ्योरी, गेस्टाल्ट जो थ्योरी है ना, समग्रता वाली जो थ्योरी है, वो भी थ्योरी क्या है, होल टू पार्ट है, वो भी थ्योरी क्या है, होल टू पार्ट है। और आपका जो ये थ्योरी है लर्निंग वाली, यहाँ पे क्या नाम है, अल्बर्ट सॉरी थॉर्नडाइक की, ये भी क्या है, होल टू पार्ट है, ठीक है, याद रहेगा, बताओ। हेलो, हाँ बस, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, और भी थ्योरीज इसके बारे में हैं, यहाँ पर जो है मैं और भी थ्योरीज के बारे में जिक्र करूँगा, मैं चाहता हूँ क्योंकि ये थ्योरीज से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो ये थ्योरी जो है आपकी कल समाप्त हो जाएगी, है ना, और इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को जिक्र करूँ ताकि आप लोग समझे रहो कि ये थ्योरी है, मैंने कहीं सुना है, सोशल वर्क की हैं ये सारी थ्योरीज, ऐसी नहीं कि मैंने कोई अलग से आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे समाज कार्य में देखो आपको मिलेगा, और जिसके पास यूजीसी हरियंट की किताबें होंगी तो छोटी छोटी उसमें लिखा होगा, है ना। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ, और इससे भी प्रश्न हम लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं, और आप लोगों ने ये देखा भी है ना। चलिए।